बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक नंबर 17 करा रहा हूँ, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के, तो आप पाओगे कि एक भी ईयर ऐसा नहीं है जिसके अंदर सोशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक को आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। प्लस इस टॉपिक की मैं आपको 3 से 4 वीडियो देने की कोशिश करूँगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि सोशलाइजेशन क्या होता है। चलिए लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। 4 नंबर के अंदर बताना है। देखिए, आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को काट काट कर बिल्कुल भी ना देखें। इससे अच्छा है कि वीडियो को आप देखें ना। मैं यही नहीं कहता जब मेरी वीडियो आए तभी आप वीडियो को देखिए, नहीं, बिल्कुल खाली टाइम में मेरी वीडियो को देखिए। जब आप बिल्कुल फ्री टाइम में हो जब वीडियो को देखिए, लैंडस्केप मोड में लीड लगा के वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोशलाइजेशन क्या होता है। देखिए, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपने अंदर सोसाइटी के हिसाब से बदलाव लाता है। मतलब उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, उसके जो बिलीव्स हैं, उसके जो परसेप्शन है, उसका जो इमोशन है, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंज होते रहते हैं। इसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन। मतलब सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना ही सोशलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पर सोशलाइजेशन भी 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव सोशलाइजेशन और नेगेटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन कैसे, कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें। अब इसी से क्या होता है, समाज में मान लो किसी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, वो कामयाब हो गया है, तो सोसाइटी के अदर मेंबर को चाहिए कि वो भी अपने बच्चे के अंदर इसी तरीके से बदलाव लाए। यहाँ पर मैं फोर्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें ज़रूरत है हम अपने बच्चे के अंदर पहले ये देखें कि उसके अंदर काबिलियत किस फील्ड के अंदर है। मतलब वो एजुकेशन सेक्टर में अच्छा है या स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है या अदर किसी फील्ड के अंदर अच्छा है, उस हिसाब से उसको प्रमोट करें, लेकिन अच्छे लेवल पर प्रमोट करें, फुल सपोर्ट करें उसका। जैसे कि सोसाइटी के अंदर किसी ने अपने बच्चे को एजुकेशन के अंदर कर रखा है, कामयाब कर रखा है, उसको देख के अच्छी चीज़ें सीखे। अब यहाँ पर नेगेटिव सोशलाइजेशन कैसे, कोई सिगरेट पी रहा है उसको देख के हमने भी सिगरेट पीनी चालू कर ली, कोई दारू पी रहा है उसको देख के हमने भी दारू पीनी स्टार्ट कर दी, कोई क्लब में जाके दारू पी रहा, गांजा पी रहा, सुल्फा पी रहा है, नशे कर रहा है, वो स्टार्ट कर दिया, ये नेगेटिव सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल है। कोई जुआ खेल रहा है जीत गया तो हमने सोचा ये तो बिना मेहनत की कमाई है, चलो हम भी करके देखते हैं, ये नेगेटिव सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल है। लेकिन हमें क्या है, पॉजिटिव सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, हमें क्या है, कामयाबी की ओर बढ़ना है। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों की होड़ करनी चाहिए, ना कि गलत चीज़ों की होड़ करनी चाहिए। प्लस अपना घर बार देखकर भी जरूर चलना चाहिए। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। सोशलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण और सोसाइटी को बोलते हैं समाज। द एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स इज नोन एज सोशलाइजेशन। इसका मैं आपको एक फेस्टिवल के थ्रू भी एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा हरियाणा है, या जो जैसे मैं हम दिल्ली गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ क्या है, मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे गांव देहात के अंदर मकर संक्रांति को सक्रांत बोलते हैं।
उस दिन क्या करते हैं हम, बेसिकली सभी नहाते धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने बुजुर्गों के पैर वगैरह छूते हैं या उनको कुछ खाने का सामान वगैरह देते हैं, उनको नए नए कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके से सकरात बनाई जाती है या कहीं घूमने वगैरह जाते हैं। हमारे यहाँ पर लोहड़ी क्या है, बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती है। जैसे पंजाब के अंदर हो गया, या पंजाब भी है या जो हमारी सिख कौम है, उसके अंदर लोहड़ी बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है। लेकिन ये सोशलाइजेशन के थ्रू एक्चुअली हुआ क्या, अब हमारे गांव देहात के अंदर भी ये लोहड़ी वाला त्यौहार बनाने लग गए, लेकिन पहले बहुत कम लोग बनाते थे। ऐसे ही आपको कोई बुरा मत मानना, एक आपको रियल लाइफ एक और बताता हूँ। आज से करीब करीब 10, 15 या 20 साल पहले हमारे यहाँ जैसे साई पालकी निकलती है, हमारे यहाँ साई पालकी बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। लोग क्या है, साई बाबा को जानते भी नहीं थे या उनका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। लेकिन सोशलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, लोगों के अंदर उसके प्रति आस्था बढ़ी और लोग उनको मानने लगे। ये सोशलाइजेशन के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आगे पढ़ लेते हैं। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड इनटू ए सोशल बींग। बिल्कुल सही बात है। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी लर्न अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशन एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। ठीक है। ऑल ऑफ द बिहेवियर डैट वी कंसिडर टू बी ह्यूमन नेचर इज एक्चुअली लर्नड थ्रू सोशलाइजेशन। इट इज ड्यूरिंग सोशलाइजेशन डैट वी लर्न हाउ टू वॉक टॉक फीड ओवर सेल्फ अबाउट बिहेवियर फॉर्म डैट हेल्प अस टू फिट इन टू अवर सोसाइटी। इसका एक और लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा हम अपने घर के अंदर कैसे बातचीत करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बातचीत करते हैं और अपने घर में अपने तरीके से रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमारे अंदर एक ही दम बदलाव आ जाता है। हमारी बोली चेंज हो जाती है, हमारा रहन सहन चेंज हो जाता है, हमारे चलने फिरने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। सोशलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही बात। बॉडी एटीट्यूड बिहेवियर एंड सो वर्थ। ठीक है। दिस सोशलाइजेशन प्रोसेस कंजिस्ट ऑफ 3 मेजर एलिमेंट्स। इसके अंदर बेसिकली 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, एंड सोसाइटी। ठीक बात है। ये तीनों मिलकर ही सोशलाइजेशन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सोशलाइजेशन क्या होता है, मतलब सोसाइटी को देखकर अपने अंदर बदलाव लाना, सोसाइटी के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाना, सोसाइटी को देखकर बदलाव लाना। देखिए, इंसान वही है जो समाज के साथ चलता है, समाज के हिसाब से ही अपने अंदर बदलाव लाता है। इसका एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। आपने क्या है, स्टार्टिंग में देखा होगा आज से 20-25 साल पहले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन आज क्या है, 18 साल से ऊपर के बच्चों की शादी कर दी जाती है। क्यों? लोगों ने ये रियलाइज करा, सोसाइटी के अंदर ये देखा कि नाबालिग के अंदर उतनी समझ नहीं होती जितनी बालिग के अंदर समझ होती है। ये मेरी ईमेल आईडी है, bachelorofeducation@gmail.com। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो इसके ऊपर मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर ये जो सोशलाइजेशन का मैंने आपको नोट दिया है, इसके अंदर कोई लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको काट सकते हैं और अपनी लाइन को ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर और भी कंटेंट मैटर को ऐड कर सकते हैं। देखिए, मेरा मेन मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर,